हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज तारीख है 19 जून 2022। और आज का दिन है संडे, और संडे को गाइस हम लोग निकले दोपहर को 2 बजे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज सुबह निकलूंगा जल्दी, बट वही फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब वो फाइनल जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, जो आरोही का स्कूल का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी कल से तो निकलना ही पड़ेगा सुबह, तो आज वो सुबह मीटिंग था उसके लिए काफ़ी लेट हो गया। जब भी स्कूल चालू होता है तो ये पेरेंट्स का मतलब इतना उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है ना, पूछो मत। और घर पे जब सिंगल पर्सन होता है, जब कोई घर में बड़ा नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाता है उसके अंदर। तो ठीक है, जो भी हमको फेस कर रहे हैं और वो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, सब फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो फैमिली के लिए ज़रूरी है वक्त निकालना, उनको वक्त देना। तो क्या जो भी मीटिंग सब अटेंड करके मैं भी निकला हूँ गाइस दोपहर के 2 बजे। संडे है, देखते हैं आज का टोटल हमारा अर्निंग कितना होता है। कल तो टारगेट हुआ नहीं, बट आज थोड़ा लेट नाइट तक करूंगा, क्योंकि जो नींद था नींद भी पूरा हो गया, जिससे पता चला रात को कल सुबह मीटिंग है। तो आराम से सोए थे, आरोही का भी स्कूल का छुट्टी था तो आराम से सोए थे, आराम से उठे, जो भी काम बाकी का सब काम पूरा कर लिया। तो देखते हैं आज के घटते दिन की शुरुआत, देखते हैं आज का दिन गाइस कैसा जाता है, कैसा होता है, कितना अर्निंग होता है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, वीडियो को देखिए एंड तक, और गाइस चैनल पे नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना। और आपको कुछ भी बात करना हो तो गाइस नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलो गाइस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं पहला कौन सा ट्रिप मिलता है और आज का टोटल कितना अर्निंग होता है। तो करते हैं आज की वीडियो को कंटिन्यू। गाइस आज के दिन का पहला ट्रिप मेरा कंप्लीट हो चुका है। पनवेल का मुझे बुकिंग लगा था गाइस, जो था गाइस 22 से 23 किलोमीटर। अभी जस्ट यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया और उसका मुझे कुछ तो 278 रुपीज मिला। और उतने में ही जैसे मैं लगभग 200-300 मीटर आगे आया उतने में पैसेंजर का कॉल है कि आपके गाड़ी में मेरा फ़ोन रहेगी, ठीक है। वो तो अच्छा हुआ लकीली कि ताबड़तोब पता चला। अभी सामने पैसेंजर खड़े, उनको फ़ोन देने जा रहा हूँ अभी। ये देखो गाइस, अभी पैसेंजर को दे दिया फ़ोन। अभी यहाँ से मुझे गाइस बुकिंग लगा है पनवेल खड़कपड़ा का, कल्याण का। अभी देखते हैं खड़कपड़ा का बुकिंग लगा है, खड़कपड़ा का बुकिंग लेते हैं, देखते हैं कितना अर्निंग होता है। एक ही ट्रिप कंप्लीट हो गया गाइस 3:15 बजे। देखो एक एक ट्रिप कंप्लीट करने को भी 1-1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। गाइस यार सुबह से दोनों पैसेंजर ने तो पसीना निकाल दिया, एकदम हालत ख़राब करके रख दिया एकदम। सुबह जो कस्टमर को लेके गया था गाइस, उसके अंदर एक छोटा बच्चा था, उसको वोमिटिंग का प्रॉब्लम था, तो वो लोग ने AC बंद करने को बोल दिया और सब खिड़की खुला। और प्लस जो फैन है ना गजी वाला, ये फैन दोनों उनके तरफ से, और मेरे को इतना गर्म हो रहा है कि पूछो। जैसे पैसेंजर को ड्रॉप किया, AC चालू किया, दूसरा ये जो दूसरा बुकिंग मुझे आया था, ये जो खड़कपड़ा का, इधर यहाँ पे आया तो इधर भी वही गाइज वही सेम सीन। वहाँ पर एक लड़की थी छोटी बच्ची, उसको वोमिटिंग का प्रॉब्लम, आगे बढ़ गई, फैन दोनों उनके तरफ में, उनको गर्म हो रहा है इसके लिए, और उधर का काज सब उन्होंने खोल दिया और मैंने ये काज खोल दिया। बट मुझे वो मट्टी विट्टी अंदर आती, इसलिए मैं ज़्यादा काज खोलता नहीं, आधा ही काज को ओपन करके रखता हूँ। और पता चला इतना गर्म हो गया कि मुझे की पूछो, उन लोगों को कुछ फर्क ही पड़ रहा ही नहीं, उन लोगों को इतना गर्म हो रहा था कि हद से ज़्यादा गर्म हो रहा था। अभी जस्ट पैसेंजर को ड्रॉप किया, पहले AC लगाया, एक फैन का फेस मेरे पे गया, क्योंकि ये जो फैन है काफ़ी अच्छा है, मतलब ये जो एक तरफ अगर मेरे तरफ और पीछे की साइड में गिरेगा ना, तो पूरा जो अंदर AC का कूलिंग होता है अंदर ही सर्कुलेशन करते रहते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर दोनों पीछे रहेगा तो जो AC का हवा है वो डायरेक्टली पूरा पीछे खींच लेता है, डायरेक्टली कस्टमर को पीछे हवा चालू करता है। वैसे मैं आगे का जो कूलिंग का जो फैन का मोड है वो मेरे तरफ ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गर्म हो रहा है। अभी तो एक तो बारिश पनवेल के साइड में तो ठीक है, इतना कुछ नहीं पता चला, उधर बारिश हल्का हल्का हो रहा था, बट उधर से यहाँ पे आया तो हंसी जाता, मतलब बारिश ही कल्याण साइड में, खड़क साइड में आप देख सकते हैं, पूछो मत, मतलब गर्म इतना हो रहा है कि पूछो मत, बारिश पूरी तरीके से आ भी नहीं रहा, बरोबर आ रहा है जा रहा है, उसके से ज्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया खड़कपड़ा में, पनवेल से बुकिंग किया था गाइस 35 किलोमीटर था, तो उसका मुझे कुछ तो 398 रुपीज मिला। अभी वापस यहाँ से मुझे बुकिंग मिला उल्लासनगर का, कंटिन्यू बुकिंग लेते जा रहा हूँ। 15 ट्रिप हो जाना चाहिए 12 बजे तक, बट इम्पॉसिबल है। और अभी 22 बज रहे शाम के 4:30 बज रहा अभी तक घड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि 12 ट्रिप हमारे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 12 ट्रिप अगर कंप्लीट होता है, 13 ट्रिप कंप्लीट होता है तो मुझे मिलता है इंसेंटिव 600 रुपये, बट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखते हैं जितना हो रहा है वो ट्रिप लेते हैं, इंसेंटिव के चक्कर में नहीं लेते, क्योंकि इंसेंटिव मिलने वाला है नहीं और ना ही हमारे 13 ट्रिप कम्प्लीट होने वाले। तो हम हमारे टारगेट के ऊपर ध्यान रखते हैं, देखते हैं हमारा टोटल आज का अर्निंग गाइस कितना होता है। तो जाते हैं फटाफट पैसेंजर को पिकअप करने के लिए और मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद में आपको, देखते हैं आज का कितना अर्निंग होता है। गए देख सकते हो मैं हूँ अभी डोंबिवली लोधा प्रीमियर के अंदर, अभी मुझे बुकिंग है सामने
रिन्यूअल से। गाइस खड़कपड़ा से मुझे एक बुकिंग मिला था जो 5-5.5 किलोमीटर था उल्लासनगर का, तो उसका मुझे 108 रुपये मिला वापस उल्लासनगर से। वापस मुझे कल्याण मॉल के यहाँ पे मुझे बुकिंग आया था पत्रीपुल के यहाँ पे, उसका मतलब उसका वो भी लगभग 6-7 किलोमीटर था, तो उसका भी मुझे 134 रुपीस मिला। वहाँ से ताबड़तोब गए मुझे क्राउन तलोजा जो लगभग 11 किलोमीटर था, तो उसका मुझे पैसा अच्छा मिला 272 समथिंग। यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और वहाँ से गए 3 किलोमीटर का मुझे बुकिंग मिला ये लोधा प्रीमियर जो लोधा के सामने है, अभी उसका मुझे लगता है 138 रुपीस मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं अभी तक टोटल 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पे मैंने 4 ट्रिप कम्प्लीट किया है 20-22 मिनट 30 मिनट के डिस्टेंस में, और अर्निंग भी अच्छा हो गया। और जो मुझे इंसेंटिव पूरा करना है, मैंने तो सोचा भी नहीं है सब ट्रिप मुझे मिलेगा, तो देखते हैं यहाँ से। अभी तो 7 बज रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो घड़ी में 7:15 बज रहे हैं अभी यहाँ पे। मैं रिन्यूअल से वापस मुझे एक बुकिंग है, और मुझे अभी मुझे लगता है कि टोटल 9 ट्रिप मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये इंसेंटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे पैसेंजर के पास में आए, पैसेंजर को कॉल करते और मिलते गए थोड़ी देर के बाद में। आई होप मेरा कि आज का जो इंसेंटिव कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसके 600 रुपये के दाम में मिलेंगे। देखते हैं कितनी देर में होता है और कितना टाइम लगता है। फाइनली गए घाटकों पर भी पहुँच गया। फाइनली गए घाटकोपर में, पैसेंजर को ड्रॉप किया और यहीं पे मेरा भी CNG हो गया ख़त्म, क्योंकि कल CNG घर पे जाते जाते मैंने CNG भरा था। यहाँ पे गए LBS के ऊपर मैंने पैसेंजर को, अब LBS पे वो भी हुआ, अभी यहाँ पे ही CNG पंप है बाजू में, तो CNG भर लेंगे यहाँ पे। और गए डोंबिवली से मुझे रिन्यूअल से बुकिंग लगा था 35 किलोमीटर था, उसका मुझे 467 रुपीज़ मुझे मिला, अच्छा अर्निंग मिला। यहाँ पे CNG पंप है लक्चुअली बाजू में, ये ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ पे CNG भरते हैं और लगभग 1800 रुपये का अर्निंग हो गया। और मुझे नहीं लगता कि गाइस मेरा अभी टोटल मुझे 8 ट्रिप कंप्लीट करना है, तो 8 ट्रिप बहुत मुश्किल है और 8:15 बजे अभी CNG भरते भरते मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो राइट साइड में ही भर लेते हैं। वहाँ पे खाली है CNG पंप, कभी कभी लाइन लगता है ना तो दिक्कत हो जाता है। देखते यही से है टन, तो भरते CNG देखते हैं। मतलब आज टोटल कल गाइज मैंने CNG भरा था रात के टाइम पे 570 रुपये का लगभग, उसको वही CNG मुझे इसके ऊपर चला है। आ गए यहाँ पे CNG भरते फटाफट, और देखते होता है कि आज आज के दिन हमारा 8 ट्रिप कंप्लीट। गाइज कोशिश तो बहुत की इंसेंटिव पूरा करने का, बट मुश्किल है, अभी होगा भी नहीं क्योंकि टाइम बचा नहीं हमारे पास, क्योंकि रात के बज रहे गए 11 बज रहे, मतलब 11:10 बाकी, और जो हमारा इंसेंटिव का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो टारगेट गैस कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हमारा इंसेंटिव है, मैंने मतलब टोटल अभी तक का गैस 9 राइड कंप्लीट किया और मुझे और 6 राइड करने, तब जाके मेरा जो इंसेंटिव है 600 रुपये का वो मिलेगा, बट इम्पॉसिबल होगा नहीं। और रात के 11 बज रहे घंटे के अंदर नामुमकिन है। गैस मैं घाटकोपर में था, घाटकोपर में CNG भरा गैस 520 रुपये का। CNG भरने के बाद गैस मुझे बुकिंग लगा थाना का, और थाना का बुकिंग लगा, उसका अर्निंग भी काफ़ी अच्छा मिला मुझे 287 लगभग 18-20 किलोमीटर था गैस 278-287 रुपीज़ मुझे मिला। और वहाँ से मतलब जो ड्रॉप था जुपिटर हॉस्पिटल व्यूअना मॉल के बाजू में, और वहीं से मुझे वापस सेकेंड पिकअप मिला जो था डुम्बिवला मॉल पलवा, तो यहाँ पे पैसेंजर को छोड़ा तो उसका भी अर्निंग मुझे 316 या 326 रुपये अर्निंग मिला, 22-23 किलोमीटर था, तो उसका भी अर्निंग अच्छा मिला। और टोटल जो आज का गैस जो अर्निंग है वो हुआ है 2400-2400 रुपये का अर्निंग हुआ है। और दोपहर को 2 बजे गैस निकला, दोपहर को 2 बजे निकल के रात को 11 बजे आप घड़ी में देखते हो, ऐसा नहीं मतलब कहीं पे भी बैठा नहीं, मुझे सब जगह पे बुकिंग मिलते गया और अर्निंग भी जो है किलोमीटर के हिसाब से मुझे अच्छा है मिला, मतलब 11-12 रुपये के हिसाब से मुझे किलोमीटर के हिसाब से अर्निंग मिला। और जो हमारा जो टारगेट था 4000 का गैस, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि लेट निकलने के बाद, अगर शायद गैस मैं सुबह जल्दी निकलता तो शायद 6 ट्रिप भी मेरा कंप्लीट हो जाता था, और ये जो 600 रुपये का इंसेंटिव है शायद गैस वो भी मेरा कंप्लीट हो जाता था। बट ठीक है, जो घर का काम था पहले उसको करना ज़रूरी था, क्योंकि वो नहीं करता तो वापस फिर वो दिक्कत हो जाता था, बच्चे के स्कूल को छोड़ने आने लेने और छोड़ने में दिक्कत हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाता था।
और गाइस आज इतना अच्छा खासा बारिश हो रही है कि पूछो, मतलब मैं ठाणा से गाइस डोंबिवली तक आया, इसे अगर कंटिन्यू बारिश रहेगा गाइस तो बिजनेस में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा खासा हमें बिजनेस में मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो बारिश, गाइस ये रहा बारिश, अभी थोड़ा कम हो गया, बट मैं जैसे वहाँ पे के रोड से आ रहा था गाइस इतना जोरदार बारिश आ रहा था कि पूछो, मतलब सामने जो ग्लास है मेरा वो ग्लास भी दिख नहीं रहा था, इतना जोर जोर से बारिश आ रहा था। ऐसे बारिश आना चाहिए। बिकॉज बस यहाँ से भी मैं करता हूँ ट्रिप को एंड, मुझे अभी मतलब काफ़ी लेट हो जाएगा वापस, कोई नया ट्रिप मैं करूँगा घर पे आते आते लेट हो जाएगा क्योंकि कल सुबह वापस स्कूल का बच्चे का टाइम है तो सुबह सबको जल्दी उठना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी कल से देखेंगे किस वक्त में 7:30 बजे तक लॉगिन कर देंगे। अर्निंग है हमारा जो टारगेट है हमारा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को गाइस लाइक करना, लाइक करेंगे तो गाइस हमें मोटिव मिलता है काम करने का, क्योंकि आपको डेली इसी तरीके से मोटिवेट करना और डेली अर्निंग बताना ये मेरा काम है और मैं कंटिन्यू गाइस करते रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और गाइस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत। Winter's here, the snow is falling, not a car. ये आप देखो है, ये कभी कभी ये लोग रिक्शा वाले लोग ऐसे घुसा देते गाड़ी तो निकलना मुश्किल हो जाता है। Tinsel hangs from every corner.